तो दोस्तों, जैसे मैं बोला था, मेरा 10 साल पुराना मेटल का ग्रिल है, ये जो आप ग्रिल देख रहे हो, इसको हम रिपेंटिंग करेंगे, फिर से इसको हम क्या करेंगे, पेंट करेंगे। तो इस वीडियो में वही चीज़ को हम समझेंगे। देखिए गाइज, मेरा इससे पहले मेरा जो वीडियो था मेटल का ग्रिल को हम पेंट किए थे, वो नया मेटल के ग्रिल को हम पेंट किए थे, पर ये जो वीडियो है इसमें हम 10 साल पुराना मेटल का ग्रिल है उसको हम पेंटिंग करेंगे। तो ठीक है, तो देखिए, आपके पास कोई भी नॉर्मल सा ग्रिल होता है, जो आप देख रहे हो, इससे छोटा छोटा भी होता है, इस जो फिगर में आप देख रहे हो, वो अलग अलग साइज का ग्रिल होता है, आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपका ग्रिल का साइज कितना है। तो देखिए, इस ग्रिल में क्या होता है, 10 साल पुराना होता है या 5 साल या 20 साल, कितना साल भी पुराना हो, मेरा 10 साल पुराना है, तो उसमें क्या होता है, जंग लगा, मतलब उसका पेंट होता है, उसका लाइफ टाइम भी चला जाता है। ठीक है, उसका पेंट होता है वो ख़राब होने लगता है। तो इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या सोचते हैं कि यार इसमें भी रिपेंटिंग कर दो, फिर से कोई दूसरा कलर है वही कलर देके मैं क्या करूँ, इसको हम फुल वर्क कर दूँ, ताकि ये 5 साल 10 साल और टिके, इसमें जो कोरिजन है वो कोरिजन भी ना लगे, कोरिजन से बचा रहे, इसका लाइफ टाइम भी इंक्रीज हो जाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या चाहते हैं, उसमें रिपेंटिंग करना चाहते, पर आपको जनरल कॉन्सेप्ट भी नहीं है, आपको पता भी नहीं कि हाँ मुझे इसमें प्राइमर भी देना है या सिंगल कोट या डबल कोट, सिर्फ पेंट ही देकर छोड़ दूँ, आपके कॉन्सेप्ट पता नहीं। तो देखिए, वीडियो को लंबा ना किए हुए वीडियो को छोट में हम वीडियो को समझा देते हैं आपको। देखिए, कोई भी सरफेस को आप, कोई भी मेटल 10 साल पुराना 5 साल पुराना मेटल का ग्रिल को आप फिनिशिंग करना चाहते हैं, उसको रिपेंटिंग करना चाहते हैं, तो उसमें आपको डिपेंड होता है कि उसमें आप क्या करें, उसमें आप दो चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है, एक प्राइमर हो गया, दूसरा पेंट हो गया। तो मैं क्या किया हो, प्राइमर नहीं दिया हो, सिर्फ डबल कोट पेंट देकर छोड़ दिया हो। आप भी चाहते हो कि मैं भी प्राइमर ना दूँ, सिर्फ डबल कोट पेंट देकर छोड़ दूँ, आप भी इजीली से कर सकते हो, ये चीज़ कर सकते हो, इजीली से कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो में जो ओवरऑल प्रोसेस करेंगे वो आपको समझाता हूँ। देखिए, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 10 साल पुराना ग्रिल है, उसमें क्या होता है, डस्ट धूल लगा हुआ होता है, तो फर्स्ट स्टेप में प्रॉपर उसको क्या करेंगे, हम फर्स्ट स्टेप में प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे, कपड़े की मदद से पानी में भिजा कर उसको क्लीनिंग करेंगे, फर्स्ट स्टेप में करेंगे। देखिए, कोरिजन पेपर को यूज़ मत कीजिएगा, कोरिजन पेपर मत लगाइएगा, ठीक है, उसको थोड़ा भी रफ मत कीजिएगा, जितना प्लेन था वैसा ही रहने दीजिएगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, अगर आप मान लो आप चाहोगे उसमें हम वो पेपर कोरिजन पेपर हम यूज़ करेंगे तो उससे पेंट झड़ने वाली नहीं है। ठीक है, मैं इसे प्रैक्टिकल कर चुका हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम उस ग्रिल को पहले क्लीनिंग करेंगे, इसके बाद सूखने के बाद 10 घंटा 5 घंटा सूख जाएगी, इसके बाद हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, उसमें डबल कोट पेंट करेंगे। देखिए, ये इससे पहले जो मेरा पेंट था वो वाइट कलर से पेंट हुआ था, पर आप जो हम करेंगे वो गल्फ रेड कलर से हम क्या करेंगे, उसको पेंट करेंगे। ठीक है, गल्फ रेड कलर से हम क्या करेंगे, उसको पेंट करेंगे, तो इसमें भी क्या करेंगे, हम डबल कोट पेंट करेंगे, हो चुका है। ठीक, तो अब इसके ऊपर से हम डबल कोट पेंट करेंगे, प्राइमर नहीं करना है, सिर्फ डबल कोट पेंट करेंगे। ठीक है, कि इसी तरह इतना कर लिया, हो गया है। ठीक है, अब उस साइड हम करेंगे, इसलिए अभी फर्स्ट कोटिंग है, इसमें लाइटिंग भी नहीं है, देखिए उजला उजला भी दिख रहा है। इसके बाद सेकेंड कोटिंग देखिए, अब इस साइड करेंगे। ठीक है, इसको भी फिनिशिंग करके रखा जाता है। ये कलर भी नहीं पकड़ रहा अभी, फर्स्ट कोटिंग में कलर भी नहीं आ रहा, सेकेंड कोटिंग देंगे इसका, पेंट का सेकेंड कोटिंग देंगे। ये फर्स्ट कोटिंग हो चुका है। ठीक है, इसके 24 आवर बाद क्या करेंगे, हम सेकेंड कोटिंग देंगे। देखिए, फर्स्ट कोटिंग लाइटिंग भी नहीं जा रहा, फर्स्ट कोटिंग देखिए, इसीलिए हम क्या करेंगे, सेकेंड कोटिंग देंगे, 24 आवर बाद सेकेंड कोटिंग देंगे। तो इसी तरह से आप भी पेंट कर सकते हो। तो गाइस, इसमें जो मेरा ओवरऑल क्वांटिटी लगा, मैं आपको इस्टीमेट करा देता हूँ, उसको मैं बता देता हूँ। देखिए, इसमें जो मुझे पेंट लगा है, गल्फ रेड पेंट लगा है, वो 300 ml लगा है। ठीक, इसमें 50 ml मुझे तारपीन ऑयल लगा है, 300 ml मुझे पेंट लगा है, तो जमा मिलाकर 350 ml के आसपास मुझे डबल कोट में पेंट लगा है। ठीक है, तो इसी तरह से इस्टीमेट में किया था, इसी तरह से मेरा क्वांटिटी को यहाँ पे लगा था इस ग्रिल में।
तो गाइज इसी तरह से आप भी इस वीडियो के थ्रू देखिए, वीडियो को समझिए, आप भी इजीली से पेंट कर सकते हो और दूसरों को समझा सकते हो। हाँ, आप भी इसी तरह से रिपेंटिंग कर सकते हो, बिना प्राइमर दिए हुए भी कर सकते हो, और प्राइमर दोगे तो बेस्ट होगा। देखिए, मैं आपको ये बात बार बार बोल रहा हूँ, मैं प्राइमर नहीं दिया इसका मतलब आप भी ना दे, ऐसा मत कीजिएगा। मेरा जो अब नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें क्या होगा, कारीगर होता है वो किस तरह से विंडो का पैनल को सेट करते हैं, किस तरह से उसमें हैंडल लगाते हैं, किस तरह से उसमें कुंडी लगाता है, किस तरह से ग्लास को उसमें सेट करते हैं, और किस तरह से विंडो का फ्रेम होता है उसमें प्रॉपर से सेट कर देता है, वो सारा चीज़ अगले वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाला हूँ कि कारीगर होता है, मिस्त्री होता है, ठीक है, वो काठ मिस्त्री होता है, वो किस तरह से क्या होता है, विंडो का पैनल में छोटे छोटे होता है जो हैंडल होता है, कुंडी होता है, ठीक है, और किस तरह से हिंज होता है उसको किस तरह से विंडो पैनल में सेट करता है, उसमें किस तरह से ग्लास लगाते हैं, किस तरह से उसमें लॉक सिस्टम, सारा प्रोसेस किस तरह से करते हैं, वो सारा चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर आने वाला है। ठीक है, तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ बेल आइकन में प्रेस कर दो।